देखिए आज का जो एहतजाज है ये हैदरपुरा में जो अंदोनागुआ का वको पजीर हुआ है और जो मुतजाद दावे हो रहे हैं पुलिस की तरफ से और लवाहिकीन की तरफ से और जानकार लोगों की तरफ से जो बातें सामने आई हैं, तो एक बहुत बड़ी गुंजाइश बनती है इस बात की कि इस पूरे वाक़े को गैर जानिबदाराना तरीके पे तहकीकात की जाए। दिस इज द डिमांड ऑफ जस्टिस, ये कोई अनोखी बात नहीं मांगी जा रही है। अगर उनके वरसा कहते हैं कि हमारे जो लोग मारे गए हैं वो किसी भी तरीके से मिलिटेंट रिलेटेड नहीं थे, तो क्या यह इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है कि इस बात की तहकीकात की जाए। वी आर होपिंग कि हमारे जो वजीर आजम है मुल्क के वो उस बच्ची की आवाज को सुनेंगे, क्योंकि वी बिलीव इट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु इज द गार्डियन ऑफ 125 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया। अगर वो 125 लोगों के रखवाले हैं, गार्डियन हैं, तो जम्मू और कश्मीर में एक बैठी हुई लड़की अपनी 18 माह की बच्ची को गोद में लेकर अगर इंसाफ की दुहाई देती है तो वो वजीर आजम की सुनवाई के लिए दे रही है। दे हैव टू डिलीवर द जस्टिस, दे हैव टू प्रूव दैट दे आर द गार्डियंस ऑफ द कंट्री एंड द पीपल। पीसफुल प्रोटेस्ट इज द फंडामेंटल राइट्स, ये बुनियादी हक है। व्हाई दिस इज बीइंग स्टॉप्ड? क्यों एक बेवा को कहा जा रहा है कि आप अपने पेशावर की लाश की डिमांड ना करो? क्यों किया जा रहा है? व्हाई दे आर नॉट अलाउड? व्हाई वी आर नॉट बीइंग अलाउड? अगर हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? डेमोक्रेसी फ्लरिशेस इन जो प्रोटेस्ट्स होते हैं, एहतजाज होते हैं, सुनवाई की बात होती है, जस्टिस की बात की जाती है। इसको रोक कर क्या साबित किया?